नमस्कार भाई दोस्तों, बहुत साथियों के मैसेज भी थे, फोन भी आए थे कि भाई जो सिखों के बारे में गलत बोल रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं या सिखों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए। हम भी ये बोले थे किस किस को जवाब देते रहेंगे, लेकिन यार अब तो है ना लिमिट ही टूटने लगी। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक तो पता नहीं कोई अपने आप को क्या कह रहा है, कर्नल जनरल मेजर पेजर पता नहीं क्या बता रहा है, एक तो वो है, एक वो जो पगड़ी में सिर फंसा कर बकवास कर रहा है वो है, और एक ये मीडिया, इन सब का आराम से बताएंगे आपको। सबसे पहले तो ना आपको उसी का बता देते हैं जिसके बारे में हम करो भाई, ये फौज का ऑफिसर है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। नंबर एक चीज, वो फौज में पूरी नौकरी नहीं करके आया, दारू पीता था, नौकरी भी 5-6 साल करके आया है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नौकरी करता तो उसको समझ में आ जाती सिख क्या है और सिखों की ताकत क्या है, उसकी समझ में आ जाता। उस भांड को यही नहीं पता, पता आपको, आप किसी को बदनाम करो या किसी का नाम लो, आपसे उसी टाइप के लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये खासियत है सोशल मीडिया की, अगर आप किसी को बदनाम करोगे ना, उस तरह के लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और आप किसी को भी बदनाम करो आपसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे। आप किसी के बारे में बता, हम तो सबके बारे में अच्छा बता रहे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सभी जातियां अच्छी, हम तो सबके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए कम लोग जुड़ते हैं हमारे से। लेकिन ये जो होते हैं ना गधे, गधे को ना आप कितना साबुन से नहलाओ, कितना सर्फ से नहलाओ, कितने उसको चने खिलाओ, गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बन सकता। गधा समझते हो पंजाब वालों, जिसको खोता कहते हैं, वो ये खुद भी खोते और खोते के पुत्र हैं। ये जो बोलते हैं ना फलाना ये था आतंकवादी था, वो आतंकवादी था, वो जरा एमपीएसा था, मतलब ये सबको सर्टिफिकेट बांटने लग जाते हैं सर्टिफिकेट। और एक जो अकाल तख्त के जत्थेदार साहब एमपी साहब की शादी में गए थे, वहां पर इस मीडिया की हालत देखना, मतलब यार आप लोगों ने तो लिमिट ही तोड़ दी, बिल्कुल लिमिट ही तोड़ दी बिल्कुल। ये देखो यार, ये अकाल तख्त साहब का जत्थेदार है जिसके जाने पर आप लोग किलकी मार रहे हो, देखो आप किलकी मार रहे हो। ये अकाल तख्त साहब का जत्थेदार है, जो ये मीडिया के वाले है ना, जो अपने आप को मीडिया वाले बोल रहे हैं, किलकी मार रहे हैं। तुम्हारे हाथ में ना तो माइक होता, तुम बढ़िया तो नमाज पढ़ते कहीं बैठकर ने, अगर दशम गुरु ना होते, अगर अकाल तख्त साहब ना होता, कौन है अकाल तख्त साहब, क्या पावर क्या अकाल तख्त साहब की, आपको पता है, नहीं पता होगा। एक और है, मैं इस गधे के बारे में बोलना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये पैदाइशी गधा खोता है, ये है, इसको आप सभी जानते हो, नाम इसका पुनीत सानी। भाई पुनीत सानी तेरा तू कोई भी है कुछ भी है, तू बहुत भोकता है, गजब है तू। ये देखो कहीं ये सोचते हो ना सिर पर पगड़ी लगा रहा, तो केसदारी होगा, गंजा है ये, गंजा इसलिए पगड़ी लगाता है, इस गंजे के काम देखो। नंबर एक चीज एक और बता देती है, ये इंडिया में नहीं है भाई, जितने साथी ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दो में से एक जगह पे है ये, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जितने भी साथी इसका पता लगाओ, या अपनी साथी सारनी भाई, अब तू अपना है ना फोन नंबर डाल, तेरे से बात करेंगे, तू बड़ा ज्ञान पेलता है, ये 10 गुरु ऐसे थे, गुरु गोविंद सिंह दुर्गा के उपासक थे, शिव जी के उपासक थे, फलाने के उपासक थे, तू बहुत बड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है ज्ञानी, एक बार तू फोन करके दिखाना मेरे को, फोन करना एक बार, हम तो फिर भी तेरे को ठीक है सिर पर पग लगाई है, कम से कम पग लगाई है, तू है तो नहीं है तो तू फिर वो खोते का खोता ही, ये तो क्लियर है। और दूसरी बात एक और चल रही है, आपने देखा पंजाब के अंदर एक चीज और चल रही है, जो बनासी दुबे पर केस होया ना, वो कोई आजकल का वीडियो नहीं है, पुराना वीडियो उठा के केस किया गया है, आपको पता नहीं होगा, ये पुराना वीडियो उठाकर चुनाव से पहले का वीडियो उठा के केस किया गया है, और केस भी ऐसा बनाया गया कि जमानत ही ना हो, काश के ऐसे केस है ना ये नशा बेचने वालों पर हो जाए। अब तो गांव गांव में नशा बिकने लगे, खाली फोन नंबर लो, घंटी मारो, आपको वहीं पर नशा अवेलेबल हो जाता है। भगवंत मान साहब उन पर भी कार्रवाई कर दो, SGPC अकाल तख्त साहब आप कर क्या रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो एक आदमी आता है वो पूरी कौम को बदनाम कर देता है, थोड़ा सा कुछ होता है वो माफी मांगने लग जाता है, कब तक चलेगा भाई ये, कब तक चलेगा। एक वो क्या नाम उसका, नाम भूल गया, आप कमेंट करके बताना क्या है, गोबर गाबर क्या नाम उसका, अरे जो अपने आप को एक फौजी बोल रहा है, क्या है गोबर है कुछ ऐसा ही कुछ नाम है उसका, नाम नहीं जानता मैं। बेवड़े तेरे से नौकरी तो हुई नहीं, नौकरी तो तू पूरी नहीं कर पाया, अब तू सर्टिफिकेट बांट रहा है, सिद्धू मूसेवाला ये था, दीप सिद्धू ये था, दलजीत दोसांझ ये है, फलाना सिंह ये है, तू सर्टिफिकेट बांटने लगा, तेरे खुद के सर्टिफिकेट देखना, जैसे ही तेरी ड्यूटी लगती थी कि तेरे को बॉर्डर पर जाना है, तू बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता था, बीमार होकर हॉस्पिटल में पहुंचता था, सर्टिफिकेट बनवा लेता, मेडिकल बनवाता फिरता था तू, जब तेरे को ये होया कि अब तो तेरे से नौकरी होगी नहीं, तू छोड़ के आ गया, छोड़ के आ गया, फिर तू बोलता मैं फौज का ऑफिसर, मैं फलाना, मैं तकड़ा, तू कुछ भी नहीं है, 18 साल नौकरी कर रखी है, सिखों के साथ भी कर रखी है, हर एक रेजिमेंट के साथ हमने नौकरी की है, हमारे को पता बंदे कैसे हैं, वो दिल के साफ बंदे हैं, वो तो तेरे को फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन कब तक माफ करेंगे, माफी करने की एक लिमिट होती है, वो लिमिट ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं लोग लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं बची है कि ये है पंच ककार SGPC ने अपने पास से बनाए हैं, नहीं तूने बनाए हैं खोते, तूने बनाए हैं या तेरे बाप ने बनाए होंगे,
यार ऐसे ऐसे खोते फिर ज्ञान देने लग जाते। और कमाल की बात यह है कि वहां पर कमेंट लोग पंजाबी में कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पंजाबी तो जानते हैं जो कमेंट करने वाले हैं, पंजाबी तो जानते हैं, इसका वीडियो ज्यादा ज्यादा देखते हैं। कुछ लोग मेरे पास भी भेज देते हैं, देखो इसने क्या बोल दिया। अरे बोल दिया क्या, इसको उसी टाइम पर जवाब देना, जवाब दे इसको उसी टाइम पे, या इसके वीडियो देखो ही मत। ये खोता है, जितने ज्यादा इसका वीडियो देखा जाएगा उतना ही ज्यादा बोलेगा, उतना ही ज्यादा बोलेगा। इससे बिठा के पूछने लग जाए ना, बताना तू एक बात, तू सारागढ़ी का युद्ध ही बता दे, तू दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में कोई पांच बात बता दे। पांच तो छोड़िए, एक भी बात नहीं बता पाएगा ये, एक भी बात नहीं बता पाएगा ये। और फिर बैठे हैं पग्गों में सिर फंसा के, ये बस यही है सब कुछ, जैसे तो वह पूरे करता धरता यही है। ये चल क्या रहा है, इसको कब तक सहन किया जाएगा ये बता सकता है कोई? कब तक सहन करता रहे आदमी को, लिमिट होती है यार। हम भी देखते हैं ठीक है बोलते, ऐसे ऐसे हरियाणा में भी बहुत हैं, कहीं ये सोच रहे हरियाणा में नहीं, हरियाणा में दुनिया भर के दिखा दूं, दुनिया भर के जो मेरा फोटो लगा के उसके ऊपर वीडियो बना के मीम बनाते हैं दुनिया भर के हैं, कहीं सोच रहे कि उनको हम नहीं देख रहे? वो भी फिर खोते ही हैं, घोड़े नहीं बन सकते वो घोड़ों की रेस में शामिल होना चाहते, लेकिन वो घोड़े नहीं है, गधे हैं वो। और ऐसे ऐसे हर एक गधे को जवाब थोड़ी दिया जाता है, लेकिन कुछ गधे होते हैं ना वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, लिमिट क्रॉस, फिर उनका दो को जवाब देना जरूरी हो जाता है कि भाई ये गधे हैं जिनको तुम देख कर सोच रहे हैं ये कोई हीरो है या और कुछ है, ये गधे हैं गधे। और आप किसकी शादी में गए थे, वो तो आपको भूल ही गए थे, शायद आप इन्हीं की शादी में गए थे, यही है ना वो जिनकी शादी में गए थे आप। क्या ये संस्कृति है, क्या ये संस्कृति है सिखों की, सरेआम मतलब ऐसा कुछ करते हैं, सरेआम ऐसा कुछ करते हैं आप अकाल तख्त के जथेदार साहब हो, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको तो जवाब देना चाहिए अकाल तख्त जथेदार साहब की क्या पावर होती है, हिले अगला हिले। पंजाब का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कुछ खोते वैसे वीडियो बना रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन जवाब देगा भाई ये बताओ, इनको जवाब कौन देगा फिर? या फिर हम पूरे दिन इन्हीं को जवाब देते रहें, कितने लोग वीडियो शेयर करेंगे अगर पूरा दिन हम इन्हीं को जवाब देते रहेंगे तो? फिर आप करो, फिर एक काम करो, आप बताओ ना इतिहास को, बताओ इतिहास के बारे में, आप किस किताबें छपवाओ, अपनी किताबें छपवाओ, SGPC को अकाल तख्त साहिब को ये एक्शन लेना चाहिए अपने इतिहास के बारे में, आप पंजाबी में और हिंदी में किताबें छुपवाइए, हिंदी में भी किताबें छुपवाइए ताकि इतिहास को फैलाया जा सके। आपको याद है प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज ने उनके साथ जब बुरा व्यवहार किया था किसी गांव के अंदर, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम यहीं पर बसो, और अच्छा व्यवहार किया था जिस गांव के अंदर, तो उनको ये बोला तुम बस चारों तरफ फैल जाओ, उजड़ जाओ, ये मतलब नहीं था कि तुम बर्बाद हो जाओ, उजड़ जाओ का मतलब तुम चारों तरफ फैल जाओ, जो अच्छे सिख थे वो विदेशों में चले गए, यहाँ पे या तो ये खोतों के वीडियो देखने वाले हैं या फिर इन खोतों के साथ झंडे उठाने वाले हैं, इन खोतों को घोड़ा बनाने पर तुले हुए हैं। अरे यार इन खोतों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, इनको जवाब चाहे ना तो हम हर दिन जवाब दे सकते हैं इनको तो ऐसा जवाब दे दे कि इनकी सात पुश्ते याद रखें, सात पुश्ते। अगर ये इतने बड़े मर्द हैं और मर्द की औलाद हैं, एक बाप की औलाद हैं, तो अपना नंबर जारी कर दो, हमने तो खूब नंबर जारी किया है, तुम नंबर जारी करके दिखाओ, ढिले हो ये हमने नंबर जारी कर दिया, तुम बकवास कर देते हो, फलाने को ये कर देंगे, धकड़े को ये कर देंगे, लग जाते हो तुम, फिर तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, तुम माफी मांग लेते हो, फिर सीख है ये बोली कौम है, फिर ये माफ भी कर देती है, कब तक चलेगा भाई माफी का खेल? इस माफी के खेल को बंद करो, और जो ऐसे है ना ऐसे जितने भी खोते हैं उन सबकी पहचान करो, उठाकर उनके अकाउंट नंबर सब कुछ डिलीट करवाओ, इनको अकल आ जाएगी अपने आप ऐसे ऐसे खोतों को, तो इनका ये होना चाहिए। समस्याएं बहुत हैं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, हर स्टेट के अंदर समस्याएं बहुत हैं। सबसे बड़ी समस्या ना जो वो पानी की समस्या है, उससे बड़ी समस्या हमारी एकता की समस्या, उससे भी बड़ी समस्या रोजगार की समस्या। रोजगार कहीं बचा है क्या? बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा, कहीं बचा रोजगार? रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं की तरफ ध्यान देते रहेंगे हम, इनको जवाब है भाई अगर ये एक बाप के होंगे तो अपना नंबर जारी करेंगे, नहीं तो इनको देखना छोड़ दो, ऐसे ऐसे खोते पता नहीं कितने बोलते रहेंगे, इन खोतों की तरफ ध्यान नहीं देना है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है, हक और सच की बात करेंगे, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है, कोई अगर गलत बोलेगा तो उसको जवाब भी देंगे और ठोक का जवाब देंगे, ठोक का। अगर वो अपनी भाषा में जवाब चाह रहा है तो फिर फोन कर लेना, खोतो फोन कर लेना, मेरा नंबर सबके पास है तकरीबन, फोन करना, फिर तुम्हारे को और भी जवाब दे देंगे, जो तुम जवाब चाहते हैं जिस भाषा का तुम जवाब चाहते हो उसी भाषा में जवाब देना आता है। तुम्हारे से ज्यादा ना डिप्लोमा किया हुआ गाड़ियों के अंदर अगर नहीं पता हो तो, डिप्लोमा होल्डर है, 18 साल फौज में यही कारनामा किया है, ऐसी ऐसी गाड़ियां देंगे तुम्हारी सात पुश्ते याद रखेंगी। वीडियो को शेयर कर देना भाई दोस्तों,
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।